Hello everyone, how are you people? I hope you all are fine and doing wonderful. This is Khushi and today in this video, I'm going to make you understand past perfect tense. In this video, we are going to learn what is past perfect tense. I will tell you some sentences like मैंने उसे बोल दिया था, उसने मुझे कॉल किया था और मेरे जाने से पहले उसने खाना बना लिया था, मेरे पहुंचने से पहले उसने ये काम कर लिया था. वी स्पीक लाइक दिस कि कर लिया था. पास्ट में कोई चीज़ बहुत पहले, पास्ट का पास्ट व्हेन वी से, जब हम बोलते हैं कि उसने किया था, वो चुका था, वो अपना असाइनमेंट जमा कर चुका था, मेरी मम्मी बाजार जा चुकी थी उस समय, ठीक है, जब यू व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने कॉल किया तो मेरी मम्मी बाजार जा चुकी थी. यू स्पीक लाइक दिस. सो जब चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे रहे, उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. एंड द रूल इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. यू नो सब्जेक्ट, देयर इज नो नीड टू टेल यू. You have only one helping verb here, had. So you third, you know verb ki third form. ठीक है, कुछ sentences बनाते हैं. जब आपने call किया था तब मम्मी बाजार जा चुकी थी. ठीक है, जब आपने call किया तो मम्मी बाजार जा चुकी थी. When you called me, my mom had already gone to market. ठीक है, जब आए तो मैं खाना खा चुकी थी. When you came, I had already eaten my food. मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया था. आई हैड ऑलरेडी सबमिटेड माई असाइनमेंट. सो उसने, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरी सब्जेक्ट में हमें हैड का यूज़ करना है. ठीक है, नाउ हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस. क्वेश्चंस में यू नो हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर लाएंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, क्या वह बाजार जा चुकी थी? हैड शी गॉन टू मार्केट. क्या वह लड़का झूठ, क्या उसने झूठ बोला था? हैड ही टोल्ड अ लाई. क्या उसने अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया था? हैड ही सबमिटेड हिज असाइनमेंट. क्या मम्मी ने उस दिन खीर बनाया था? हैड मॉम कुक्ड खीर दैट डे. सो वी हैव अंडरस्टूड दिस टू. नाउ वी हैव टू यू नो लर्न हाउ टू फ्रेम नेगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंसेस. सो फॉर नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, जिसे हम हैडंट भी बोलते हैं या हैड नॉट भी बोलते हैं, हैडंट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स फ्रेम सेंटेंसेस. मैंने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया था. आई हैडंट सबमिटेड माई असाइनमेंट. मैंने कल वीडियो अपलोड नहीं किया था. आई हैडंट अपलोडेड एनी वीडियो यस्टरडे. सो यू हैव टू फ्रेम लाइक दिस. And almost आप बहुत सारे tenses सीख चुके हो. So you need to frame sentences based on all tenses, whatever you have already learned. So frame sentences and speak a lot. Thank you.